हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ डीआरडी में। दोस्तों आज हम एक बहुत अच्छी डिश बनाएंगे, बैंगन मसाला। ये बहुत जल्दी फटाफट 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और इतना स्वादिष्ट बनेगा कि सब मांग मांग के खाएंगे। बहुत टेस्टी बना था दोस्तों, आप भी मेरी ट्रिक से बनाओगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा आपका भी। ये हमने बैंगन ले लिए हैं, ये आधा किलो बैंगन है। और दोस्तों ये मेरे कई दिन से रखे थे फ्रिज में, सब्जी कई सारी आ गई थी तो इनका नंबर नहीं आया था बनने का, इसलिए आपको ऐसे दिख रहे होंगे। आप ताज़े बैंगन लें और एक साइज़ के लें, ये थोड़े छोटे बड़े हैं तो एक साइज़ के हैं तो और ज़्यादा अच्छा, और नहीं तो जैसे भी हैं वैसे आप बना सकते हैं। ये बैंगन को हमने धो लिया और बीच में चीरा लगा लिया। चीरा लगा के देख लें कि ये ख़राब तो नहीं है, कई बार कीड़ा होता है बैंगन में तो उसको पहले चेक कर लें। और ये मैंने पानी में डाल दिए हैं, पानी में डालना ज़रूरी है, अगर हम काट के बाहर रखेंगे तो बैंगन हमारे काले पड़ जाएंगे। और अगर आप साथ साथ बना रहे हैं, मसाला पहले बना के तैयार कर लिया तो आप साथ साथ बना सकते हैं। पहले मैंने काट लिए थे बैंगन और फिर मैं मसाला बनाऊंगी तो इसलिए मैंने पानी में डाल दिया था। अब मैं मसाला बना रही हूँ इसके अंदर भरने के लिए। ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, एक चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। दोस्तों आप अपने हिसाब से मसाले ले सकते हैं और कम ही बनाएं मसाला, क्योंकि फिर हम इसके दोबारा से छोकेंगे बैंगन को तो उसमें भी मसाला डलेगा। ये हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया और एक चम्मच हमने ले लिया है आंवला पाउडर का। आप आंवले पाउडर की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच तेल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा, मसाला थोड़ा बंद जाएगा और जब हम बैंगन में भरेंगे तो बैंगन से बाहर नहीं निकलेगा छोंकते हुए। तो ये हमारे पानी में जो बैंगन थे उनको बाहर निकाल लेंगे, मसाला बनके तैयार हो गया, अब इनको भरेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहें और आपको सिंपल और सादा कम मसाले में वीडियो मिलती रहें। देखिए बैंगन को ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर मसाला भर लेंगे। देखिए दोस्तों मसाला हमने सारा भर लिया है इसके अंदर, अब हम आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए एक कढ़ाई ले लिया मैंने, इसमें एक चम्मच तेल डाल लेंगे और तेल डाल के और इसको गर्म होने देंगे तेल को। दोस्तों मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ सब्ज़ी, आप जो भी तेल खाते हैं उसमें बना ले, रिफाइंड में या सरसों के तेल में जिसमें भी बनाना चाहो उसमें बना सकते हो। और इस बैंगन को हम तेल में डाल देंगे, जितने भी बैंगन हमने भर के रखे थे। इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे और जब तक ये पकेंगे हम दूसरी सब्जी अपनी आगे की तैयारी कर लेंगे और ये इंस्टेंट फटाफट सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए हम ढक के इसको पका लेंगे और बीच में चलाते रहेंगे, अलट पलट लेंगे और जब तक बैंगन हमारे पक रहे हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। देखिए हमने एक टमाटर काट लिया, दो प्याज काट लिए हैं और 6-7 कलियाँ लहसुन की काट ली हैं और एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हम दोस्तों उसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं तो मैंने दूसरी को गरम थी तो मैंने सोचा क्या निकालूं, दूसरी कढ़ाई में बना लेती हूँ। तेल गरम होने के बाद मैंने एक चुटकी नमक डाला ताकि तेल की स्ट्रॉन्ग खुशबू ना आए। एक चम्मच जीरा डाला है, दो तेज़पत्ता और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है। आप जो मसाले डालना चाहे वो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। कोई मसाला नहीं है तो उसको छोड़ दें और पसंद नहीं है तो भी छोड़ दें, आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने इसमें लहसुन डाल दिया और तुरंत बाद इसके प्याज डाल दिया और इसको अब हम भून लेंगे। और मैंने कढ़ाई में से वो बैंगन निकाल लिए थे प्लेट में तो जो मसाला बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, उसको भी इसी में डाल के पका लेंगे। प्याज हमारे भून गए हैं तो हमने टमाटर डाल दिया इसमें और थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल दिया ताकि जो हम मसाले डालेंगे वो जले ना। इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच आंवला पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और इन सब मसालों को अब हम भून लेंगे। आंवले पाउडर की जगह आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप अमचूर पाउडर डाल लें और आंवला पाउडर है तो आंवला पाउडर डाल लें। और इसको अच्छे से भून लेंगे, मसाला हमारा अच्छे से भून जाना चाहिए। ये तेल जब मसाला छोड़ देगा, तेल ऊपर आ जाएगा तो मसाला एकदम भून के तैयार हो जाएगा, और जब मसाला भून के तैयार हो जाए तभी हम इसमें बैंगन डालेंगे, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा बैंगन का। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, आपने अगर ग्रेवी कम रखनी है तो कम पानी डाल दें, अगर ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा पतला रखना है तो ज़्यादा पानी डाल दें।
मैंने इसमें एक कटोरी पानी डाला है और इसको थोड़ा पकने देंगे, पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया तो हमने जो बैंगन बना के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं और अब इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे, ढक के पकाएंगे और ये थोड़ी प्योरी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बैंगन हमारे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बन रहे थे और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और एकदम पक गए हैं और टेस्टी बने हैं। देखिए मैंने बीच में चला दिया और 2 मिनट के लिए फिर ढक के पका लेंगे इसको। ये देखिए मसाला हमारा पानी सूख गया, तो कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। आप कम तरी भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। और यकीन मानना दोस्तों, बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों ने बहुत खुश होके खाए थे। तो आप भी ऐसे ही बनाया करो तो आपके भी इतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे, मसाला बैंगन बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। कई लोग इसलिए नहीं बनाते कि बहुत टाइम लगेगा भर के बनाने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आसानी से बन जाते हैं, फटाफट बन जाते हैं। तो आप भी बनाते रहना दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।